डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरमीडिएट कॉलेज रुद्रौली पोस्ट मदनपुरा निचरौल महाराजगंज का यह विद्यालय है। और इस विद्यालय का प्रांगण देखिए कितना खूबसूरत और शानदार है। इस विद्यालय का बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गया है। इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य नवासी भारती जी हैं और आज वर्तमान में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य इनके लड़के श्री प्रकाश भारती जी हैं। तो आज हमारे देश में जो नई राष्ट्रपति बनी हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के संदर्भ में आज विद्यालय के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं कि विद्यालय के बच्चे अपनी नई राष्ट्रपति के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। दर्शकों का अपने न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाल विद्या मंदिर में। आप देख सकते हैं ऊपर पोस्टर लगा है। दोस्तों हम भी इसी विद्यालय में छोटे थे जब बचपन में प्राइमरी की शिक्षा हम भी इसी विद्यालय में ग्रहण किए हैं। और आप जान रहे हैं कि हमारे जो देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति जी जो हमारी महिला जो द्वार जीती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं के संदर्भ में आज हम बातचीत करने के लिए विद्यालय में बच्चों से के साथ आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीति में उनकी क्या दिलचस्पी है, राष्ट्रपति के जो चुनाव हुआ है वो उसके बारे में कितना जानकारी रखते हैं। दोस्तों यह हाई स्कूल का क्लास है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरमीडिएट कॉलेज और इन्हीं सब बच्चों के बीच में आज हम आए हैं राष्ट्रपति की जो हमारी प्रथम देश की महिला हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनके बारे में इन सबको कितना जानकारी है, कितना दिलचस्पी रखते हैं सब राजनीति के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। तो आइए बच्चों से बात करते हैं। और इंटरमीडिएट कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य सर हैं प्रकाश भारती जी। तो आइए इनसे पता करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में इनका क्या विचार है। तो सर जी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को क्या उम्मीद करते हैं अपने देश राष्ट्रपति से। मैं अपने देश के राष्ट्रपति से उम्मीद करता हूँ कि यह जो हमारा लिखित संविधान है उस संविधान के तहत मैं इन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस नियम कानून को सही ढंग से सुचारू रूप से हमारे देश में लागू करें ताकि यह बच्चों के भविष्य का जो यह तगाजा है वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहे। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो आप लोग जान लीजिए, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और जो प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है आप लोग पता है नहीं पता है। तो ये बताइए कि जो इसके पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था। तो दोस्तों इसके पहले हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे और इस बार विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनका क्या नाम था नहीं पता। दोस्तों इनको नहीं पता, अभी उतना नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में, लेकिन अभी कक्षा 10 और कक्षा 9 के छात्र हैं लोग, तो इसके नाते उतना नहीं पता है। हम बता दें आपको कि विपक्ष के जो हमारे राजनीति मतलब विपक्ष के जो उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, तो इस चुनाव में हार गए हैं और द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने मतलब चुनाव जीती हैं और देश की 15वीं जो हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति यही बनी, आदिवासी प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का ये गौरव प्राप्त है। और आज तक भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति बनने का भी इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। इनके नाम 5-6 रिकॉर्ड है। सबसे पहला तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली है भारत की दूसरे मतलब इनका दूसरा कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। और तीसरा जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, वो उड़ीसा से मतलब राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला बनी है और आज तक उड़ीसा से कोई राष्ट्रपति नहीं बना था। तो तमाम इनके नाम कीर्तिमान है। इनका जीवन जो था बहुत ही संघर्षों का जीवन रहा है, क्योंकि यह पार्षद से लेकर सबसे पहले उन्होंने चुनाव पार्षद का जीता था, उसके बाद विधायक आप लोग नाम सुने होंगे विधायक का उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद मंत्री बनी और उसके बाद मंत्री बनने के बाद मतलब 15-20 सालों तक इन्होंने राजनीति सफर किया है। उसके बाद भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया था, एनडीए का कैंडिडेट राष्ट्रपति पद का चुनाव, और इन्होंने चुनाव जीता है। इसके नाते तमाम 5-6 रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया है और आशा करते हैं कि जो हमारी जो महिला राष्ट्रपति आदिवासी संगठन से जो द्रौपदी मुर्मू जी हुई हैं देश की तरक्की और उन्नति में अपना भरपूर सहयोग देंगी। संविधान का में जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के हिसाब से अपना जो भी कर्तव्य उसका निर्वहन करेंगी और सत्ता में बैठी जो सरकारें हैं जो भी कहीं कोई समाज के लिए या देश के लिए जो भी गलत काम करेंगी जो भी गलत नीतियाँ बनाएंगी उसका खुलकर विरोध करेंगी और समाज के हित और तरक्की के लिए अपना भरपूर सहयोग देंगी। आइए थोड़ा और बच्चों से बात करते हैं। बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। नरेंद्र मोदी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने बताया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तुम बताओ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। योगी।
योगी आदित्यनाथ, पूरा नाम पता कीजिए। अगर आप राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं तो पूरा पता कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका योगी आदित्यनाथ पूरा नाम है, लोग उन्हें योगी बाबा कहते हैं, ठीक है। पूरा नाम आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। और आप लोग से आशा है, मतलब आप अभी हाई स्कूल में है, इंटर में पढ़ेंगे, मतलब ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मतलब पूरी ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। इस तरह से मतलब काम चलाओ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जीवन मिलेगा नहीं। जो गुरु जी आपके सामने हैं, ये भी बहुत कठिनाई से पढ़े हैं, संघर्ष किए हैं, तब जाकर आज आपके प्रिंसिपल हैं और इनके बीच में, आपके बीच में, हमारे बीच में है। हमको भी ये पढ़ाया, जब हम छोटे थे तो जब ज्यादा चलता था वहाँ पर हम लोग को ये पढ़ाते थे। और आज हम सोचे हैं, मतलब हम जिस अभी अपना मीडिया चैनल का मतलब अध्यक्ष रहे सूरज नीत के नाम से अपना मीडिया चैनल खोले हैं, तो हम सोचे थे अगर इसी विद्यालय में हमने पढ़ाई किया है और इसी विद्यालय ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, तो इस विद्यालय में चलते हैं और इस गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं और अपना जो न्यूज अपना न्यूज का जो रिपोर्टिंग काम है वहीं से विद्यालय से शुरू करें। इसी नाते हम आप लोगों के बीच में आए हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए मकसद से हम इस विद्यालय में आए हैं। आप लोग से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा और आप लोग को हमारे साथ मतलब इस तरह की आप लोग बताइए, आपके विद्यालय में आकर कोई मीडिया वाला आया था? तो दोस्तों इनका कहना है कि आज तक इनके विद्यालय में कोई मीडिया वाला नहीं आता। वो से देखा जाए तो सभी लोग अपने न्यूज जो भी न्यूज एंकर है अपने स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में जब तक जाकर हम अपनी बात नहीं रखेंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, जो छात्र नौजवान हैं उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तब तक हम समाज की जो भी कमियां हैं, समाज की जो दिक्कतें हैं, सरकार के सामने उतना आसानी से नहीं ला सकते। इसी मकसद से हम आप लोग के बीच में आए हैं और हमारा छोटा सा प्रयास है और आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। किशोर जी आपके विद्यालय में आकर बच्चों से बातचीत किए बहुत अच्छा लगा, और आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसा लगी, हमारा न्यूज एंकरिंग कैसा लगा, जरा दर्शकों को बता दीजिए। आपका न्यूज हम लोगों के लिए बहुत स्नेहप्रिय रहा और हम चाहेंगे कि आप हमेशा इसी तरह से कोई फंक्शन पड़ता है तो विद्यालय में आइए और हमारे विद्यालय के इस वातावरण को, इस बातों को आप आगे तक उठाइए और हमारे जो बच्चे हैं इनको न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ इन सबको ज्ञान प्राप्त हो, यह मैं आशा आपसे रखता हूँ। प्रयास करेंगे कि आपके विद्यालय में आए, बच्चों की जो समस्या है उसे दिखाएं और जो भी आपकी मांगे रहेंगी, जो भी आपकी समस्या रहेंगी उस पर आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।